ये सारी किताबें किसी पेड़ को काटकर बनी होगी। आज जब इन पन्नों को पलट रहा हूं तो अक्षरों की जगह यहां पेड़ उगाए हैं। मेरे सरकारी क्वार्टर के पीछे का पेड़ जिसे मैंने बचपन में लगाया था, अब इन किताबों में लिखी सारी बातें मुझे एक जंगल की याद दिला रही हैं। हर तस्वीर बनाने से पहले एक पेंटर को चुनना पड़ता है, एक सही कैनवस। मैं यहाँ तस्वीर नहीं बना रहा, मैं बना रहा हूँ एक कैनवस जिस पे तस्वीरें बना सकूँ। मेरे लिए तस्वीर बनाने से ज़्यादा बड़ा प्रश्न है सही कैनवस का चुनाव। मुझे हजारों कैनवस दिखते हैं और ये कैनवस मेरे लिए इल्यूजन है, एक इल्यूजन। रोशनी और अंधेरे का फर्क आज कितना आसान है इस फर्क को मिटा देना। अब हमें सोकर उठने की जरूरत नहीं होती है उजाले देखने के लिए। सूर्य अब हमारे जीवन में उजाला नहीं लाता। अब हमारे पास एक स्विच है जिसे हम ऑन या ऑफ करके उजाला या अंधेरा ला सकते हैं। ऑन और ऑफ, निरंतरता हमें भ्रमित करती है। कभी कभी इस दुनिया को रुक जाना चाहिए, तब हम शायद इसे अच्छी तरह देख सकते हैं, जैसे इस पंखे के डायनो को देखने के लिए हमें इसे थोड़ी देर के लिए रोकना होगा। एक कलाकार का दुर्भाग्य। मुझे याद आता है कि बैंड स्टैंड पे एक दोस्त के साथ मैं घूम रहा था। बारिश हो रही थी, सामने एक छतरी में दो प्रेमी युगल एक दूसरे से लिपट कर बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे। मैंने दोस्त से कहा कि देखो कितना सुंदर फ्रेम है, जो रोशनी पड़ रही है, जो बारिश बूंदे उस छतरी पे गिर रही हैं, ये एक सिनेमा का दृश्य है।
ये एक कलाकार का दुर्भाग्य है कि वो इन दृश्यों में हमेशा फ्रेम देखता है। आगे तू बचा ले सानू गल नाल ला ले बच्चे तेरे अरदासां तेनू करी जांदे ऐ मेर कर बाबा।